नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी मार्च रिजल्ट के बारे में और ट्रिपल सी अप्रैल एडमिट कार्ड के बारे में, यानी कि ट्रिपल सी मार्च 2020 का रिजल्ट आ चुका है और ट्रिपल सी अप्रैल 2020 का एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी प्रोसेस आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी मार्च का रिजल्ट कैसे देखना है और कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम इस समय हैं ट्रिपल सी की ऑफिशियल साइट पे, यानी कि नीलेट की साइट पे, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था ट्रिपल सी कोर्स कराती है उसकी वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को रिजल्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये स्लाइड कर रहा है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, रुक जा। तो भाई ये रुक गया है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके, ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, मार्च रिजल्ट। तो यहाँ पर लिखा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट रिजल्ट कैन बी प्रिंटेड फ्रॉम 18 मार्च 2024 आल रोल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम AJ, AR, GG, SM, NZ, AZ और NG, यानी कि जिन भी स्टूडेंट का रोल नंबर इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है उनका रिजल्ट आ चुका है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि रिजल्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको साइड में जाना है, साइड बार में यहाँ पर आपको रिजल्ट व्यू रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक आपको विंडो ओपन होगी, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है दूसरे नंबर पे, ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला रोल नंबर, दूसरा कैंडिडेट नेम, तीसरा एप्लीकेशन नंबर। तो जिनसे भी आप लोगों को, जिनके थ्रू आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको कैंडिडेट नेम से सर्च करना है तो इस पर, ठीक है, उसके बाद अगर एप्लीकेशन नंबर से तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोल नंबर से सर्च करिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है 2020, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम यानी कि मार्च 2020, उसके बाद रोल नंबर, जो भी अल्फ़ाबेट से आप लोगों का रोल नंबर स्टार्ट है आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। जो भी रोल नंबर थे, जिन भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट था, तो वो आप लोग यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी DOB डालना है, यानी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये ब्लैक कलर में जो आप लोगों को कैप्चा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला नंबर आपको इसमें इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे, उसके बाद व्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर व्यू पे क्लिक करने के बाद। तो आप वहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं भी आया है, किन स्टूडेंट का नहीं आया मैं आपको बता दूं, जीओ और भी बहुत सारे स्टूडेंट का है जिनका भी नहीं आया है, उनका भी 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्च का रिजल्ट आ चुका है। कुछ स्टूडेंट का नहीं आया जिनका जीओ से स्टार्ट है और कुछ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, तो जैसे भी उनका आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए, आ चुका है, या आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, देखते रहिएगा, आ जाएगा जल्द ही, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आई होप आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिपल सी अप्रैल 2020 का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ट्रिपल सी का रूल्स है, यानी जो ट्रिपल सी यानी कि नेलेट है, उसका जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ये कि पर मंथ इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पर मंथ के 1 से 5 तारीख के बीच में आप लोगों को एडमिट कार्ड आ जाते हैं, जस्ट उसके 1-2 दिन बाद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि अभी मार्च में एग्ज़ाम होने थे, तो 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच में आप लोगों के एडमिट कार्ड आ ही चुके थे, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसी तरह इस बार भी प्रोसेस होगा, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आप लोगों को एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद उसी में आप लोगों को डेट मिल जाएगी कि इस डेट को मेरा एडमिट, यानी कि इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है इस टाइम पर इस सेंटर पर। तो आपको ये सारी जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिलेंगी। अभी फिलहाल ट्रिपल सी अप्रैल का एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे भी आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कब तक आएगा, क्या प्रोसेस है। तो मैंने उन्हीं के लिए वीडियो बनाई है कि आप जस्ट वेट करिए, जैसे भी आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा और एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या सिस्टम है, कहाँ पर किस सेंटर कहाँ पर गया है, और सबका अलग अलग सेंटर जाता है, किसी का सेम नहीं होता है, सेम होता है लेकिन वो सेंटर के अकॉर्डिंग जाता है, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग जहाँ का आप डालते हैं,
और उसी में आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा, पूरी जानकारी उसी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट का अभी भी कोई क्वेश्चन है, अभी भी कोई क्वेरी, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल मंथ में, उनके लिए मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन तैयारी भी कराता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, उस पर मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ, आपको उन क्लासेस से काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट को बताएं तो काफ़ी उनको हेल्प मिली, तो आई होप आप सभी को भी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।